class. Good morning to my class 3 students. I welcome you back to the science students. I am your teacher Nisha Singh from RM Deep School. And I hope पिछले class में आप लोगों को अच्छा लगा है पढ़ाई करते वक्त. And I hope आप लोगों को समझ में आया कि मैंने क्या पढ़ाया था, जो मैंने पढ़ाया था. So आपका जो science के लिए है, अगर आपके पास science का book नहीं है तो प्लीज मेक श्योर दैट आप ये बुक खरीदें. ठीक है, तो आपको होमवर्क करने में या फिर कोई भी एक्सरसाइज करने में दिक्कत नहीं होगी. एंड आपके अच्छे के लिए मैं बोल रही हूँ. सो गेट इट एज सून एज पॉसिबल. सो नाउ गेटिंग बैक टू द क्लास, टुडे वी विल कंटिन्यू विद द पार्ट टू ऑफ आवर बॉडी साइंस अगेन. सो प्लीज टेक अप पेज नंबर 11, पेज नंबर 10, सॉरी पेज नंबर 10 निकालिए. Or we will start with the circulatory system. All right? Okay. Okay. Number 4, circulatory system. What do you mean by circulatory system? First of all, circulatory system जो है हमारे अंदर जितने भी blood हैं and जो nerves हैं उसमें जो cells दौड़ती हैं, जो भी bloods दौड़ते हैं, उनका circulation, ठीक है? उनका सर्कुलेशन जो है हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स पे कैसे होती है एंड उसका क्या इम्पोर्टेंस है, बेसिकली इसमें वो दिखाया गया है. ओके, सो आप ध्यान से आप मेरी जो मैं जो भी लाइन पढ़ूंगी, वॉट एवर लाइन आई एम गोइंग टू रीड आउट, मेक श्योर यू आर फॉलोइंग इट, बिकॉज इफ यू फॉलो इट यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एवरी लाइन दैट आई रीड. मैं जो भी लाइन पढ़ूंगी वो आपको उसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा. सो लेट्स गेट बैक टू द पैराग्राफ. सर्कुलेटरी सिस्टम, it consists of heart, blood and blood vessels. The heart circulates blood to all the organs of our body through the blood vessels. The blood supplies oxygen and digested food to all the parts of the body. So hamare circulatory system mein first of all aata hai heart, aata hai blood, aata hai and blood vessels aata hai. Blood vessels is a tabular kind of a structure. टर्मिनल स्ट्रक्चर की एक पार्ट होती है हमारी बॉडी में, जो हमारे बॉडी से नर्व से कनेक्टेड होती है, जो हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करती है. ओके, सो हमारे नर्व्स में छोटे छोटे बहुत सारे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स. ओके, सो रेड ब्लड सेल्स जो है हमारे बॉडी में क्या करती है, ऑक्सीजन देती है. एंड वाइट ब्लड सेल जो है जो हमारे बॉडी में बाहर से अगर कोई बैक्टीरिया आ रही है या फिर कोई भी ऐसी जो भी हमारे बॉडी को हार्म करती है, वो चीज़ अगर हमारे बॉडी को एंटर कर रही है तो वाइट ब्लड सेल जो है उसे फाइट करती है. इट फाइट्स विद योर बॉडी टू प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम ऑल द बैक्टीरियाज एंड द डैमेजेस दैट कैन बी डन टू योर बॉडी. ओके, नाउ कमिंग बैक टू द लाइन अगेन. The surgeon, the heart circulates blood to all the organs of our body through the blood vessels. So मैंने जैसे बोला कि सबसे पहला part जो है आपके circulatory system का वो है heart. So what does heart do? Heart is the main, मैंने बोला था पिछले class में that the brain of our body is the remote of our body. हमारा brain जो है हमारे body को control करता है. वैसे ही second चीज जो हमारे body को control करता है वो है heart. हार्ट के बिना हमारा बॉडी फंक्शन नहीं करेगा. सबसे पहले हार्ट जो है हमारे बॉडी में ब्लड पंप करता है. ओके, एंड वो जो है हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है उसको ब्लड सर्कुलेट करता है. ओके, नंबर ऑफ ऑर्गन्स, हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं हार्ट जो है उसको ब्लड सर्कुलेट करता है. ओके, इट प्रोवाइड्स, इट ट्रांसपोर्ट, इट नेटवर्क ब्लड टू ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. ओके, कमिंग टू अनदर पार्ट, the blood supplies oxygen and digested food to all the parts of the body. So previously जैसे मैंने आपको बताया था कि heart जो है हमारे body में खून provide करती है, हर एक organs में जो है खून provide करती है. and heart also हमारे body parts में, हमारे body के जितने भी parts हैं, lungs हैं या फिर stomach है या फिर कोई भी parts है, उसमें digested food को it transports the digested food to all the parts of our body. हमारे हर एक body के हिस्से में digested food जो है वो transport करती है. okay, and then only maybe इसीलिए हमारी body जो है strong बनती है. okay, again coming back to paragraph, हम फिर से दोबारा इसको recap करेंगे so that आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. it consists of heart, blood and blood vessels.
तीन चीज हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में है, ब्लड, ब्लड वेसल्स और ब्लड। सबसे पहला हार्ट। हार्ट जैसे मैंने आपको बताया था, हार्ट जो है हमारी बॉडी का सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करती है, वो हमारे बॉडी को ब्लड सर्कुलेट करती है। ओके, हमारे बॉडी को ब्लड सर्कुलेट करती है, ठीक है। हमारे अंदर बहुत सारे नर्व्स हैं एंड नर्व्स में मैंने जैसे बताया था 6000 से ज्यादा नर्व्स हैं हमारे बॉडी में, एंड उस नर्व्स में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सेल्स हैं जो हमारे बॉडी में, जैसे रेड ब्लड सेल्स है एंड व्हाइट ब्लड सेल्स है। रेड ब्लड सेल्स जो है हमारे बॉडी को ऑक्सीजन देती है, ठीक है, एंड व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे बॉडी को कोई भी बैक्टीरिया या फिर कोई भी बीमारी से अटैक करने से बचाती है, कोई भी बैक्टीरिया या फिर वायरस होती है उससे बचाती है। ओके, नाउ कमिंग टू ब्लड वेसल्स, हमारे टर्बुलर स्ट्रक्चर के होते हैं जो हमारे बॉडी में हर जगह ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। The heart circulates blood to organs of our body through the blood vessels. The blood supplies oxygen and nitrogen to all the parts of the body. So blood also supplies blood to blood supply करती है। उसके अलावा क्या करती है, हमारे body के जितने भी parts हैं, हमारे जितने भी body में जितने भी organs हैं उसको blood supply करती है, और जो हम खाना खाते हैं उसका जो digestive form है वो digestive form हमारे हर एक body के organs में वो पहुँचाती है। ओके, Now coming to the next point, that is digestive system. So digestive system is one of the system that helps us to digest whatever we eat. ठीक है? इसीलिए people say that हम लोग बोलते हैं कि healthy खाना बहुत important है, because it's not that हमारा body machine है, ठीक है? हम जो खाएंगे हमारा body उसी तरह से react करेगा, उसी तरह से काम करेगा, ठीक है? आप कुछ भी खाएंगे जरूरी नहीं कि वो डाइजेस्ट होगा, ठीक है। बट डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कुछ पढ़ते हैं। फॉलो लाइंस द माउथ फूड पाइप स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स आर द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में देयर आर फोर पार्ट्स, जैसे मैंने बताया था सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन पार्ट्स होती है, वैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम में देयर आर फोर पार्ट्स। देखो, माउथ आता है, फूड पाइप आता है, स्टोमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, एंड दीज आर द मेजर ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। मेजर मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, यहाँ पे पिक्चर में दिया गया है, ये है फूड पाइप, ठीक है। हम खाना खाते हैं तो यहाँ से हम फॉलो करते हैं, फूड पाइप हो गया, ये स्टोमक हो गया, और ये जो है बाहरी जो आपको दिख रहा है इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये अंदर वाली जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ओके, द स्टोमक प्रोड्यूसेस सम जूस दैट ब्रेक्स द फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। ओके, तो ये जो हमारा स्टोमक है, ये स्टोमक जो है जो हम जो खाना खाते हैं उसमें से जूस प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जो खाना को स्मॉल जो हम खाते हैं उसको स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर दिए ब्रेक कर देती है। फ्रॉम हियर द फूड रीचेस द इंटेस्टाइन। सो जैसे ही हमारा खाना हमारे पेट में जाता है तो उसका जूस जो होता है वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं, उसके बाद में वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाते हैं। वेयर देखो, फ्रॉम हियर द फूड रीचेस द इंटेस्टाइन, उसके बाद में इंटेस्टाइन्स में जाती है। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इंटेस्टाइन्स में जाती है। The intestine takes it in whatever is required and waste food is thrown out through the anus. So हमारा जो intestines है, हम जो भी खाते हैं, जो भी हमारी body की requirement होती है, हमारे intestines की जो भी requirement होती है, वो जो है हमारा पेट लेता है, and waste food जो भी खाना हम खाते हैं वो food जो है, जो food का जो waste है वो waste हमारे anus के through निकाला जाता है। okay? The intestine takes in whatever is required. जो intestines है, हमारा जो intestines है वो जो भी ले सकता है वो लेता है, and इसके बाद में जो foods का जो waste होता है वो anus के through में फेंका जाता है। Now coming to respiratory system. The nose, windpipe and lungs are the organs of the respiratory system. Okay? Again, respiratory system में major parts क्या आते हैं? Nose आता है, windpipe आता है, lungs आता है, and these are the organs of the respiratory system. These are the
the important parts of the respiratory system. Respiratory system basically मतलब जहाँ से हम सांस लेते हैं. So that is जहाँ से हम सांस लेते हैं, सांस अंदर लेते हैं, बाहर लेते हैं, उसको respiratory system बोलते हैं. Okay? We all breathe oxygen through our nose, which travels down the windpipe and reaches our lungs. Now, अब यहाँ पे आप देखें, ये जो picture है, यहाँ पे आपका nose है और ये जो mouth है, ठीक है? और ये जो है, ये आपका windpipe है. Always remember there are two pipes in the body, जो है एक food pipe है और एक windpipe है, okay? अगर आपके windpipe में by chance कभी खाना पहुंच जाता है, तो वो बहुत दिक्कत वाली बात होती है. मेरे साथ ये एक बार हुआ है. इसीलिए मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ. विंड पाइप में अगर खाना पहुंच जाता है तो बहुत दिक्कत वाली बात है. द नोज विंड पाइप एंड द लंग्स आर द ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. जो हमारा लंग्स है, लंग्स से हम ब्रीथ करते हैं. तो नोज सबसे पहले, नोज से नोज एंड माउथ आर द टू पार्ट्स जहां से हम नोज से हम सांस अंदर लेते हैं और मुंह से हम बाहर सांस फेंकते हैं, ठीक है? सो दीज आर द टू आर थ्री ऑर्गन्स. नोज से तो हम सांस अंदर लेते हैं, माउथ से हम सांस बाहर फेंकते हैं, एंड लंग्स जो है वो हमारे जो जो हम ऑक्सीजन हम जो अंदर लेते हैं उसको क्लियर करती है. वी ऑल ब्रीथ ऑक्सीजन थ्रू आवर नोज व्हिच ट्रैवल्स डाउन द विंडपाइप एंड रीचेस आवर लंग्स. सो हम जो भी सांस लेते हैं वो हमारे विंडपाइप, नोज से या फिर माउथ से आप सांस लेके जो विंडपाइप से है, विंडपाइप से जाते हुए हमारे लंग्स में वो ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं वो हमारे लंग्स में जाते हैं, एंड दिस इज हाउ आवर लंग्स फंक्शन. ओके, इनसाइड द लंग्स द ब्लड टेक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव्स अप कार्बन डाइऑक्साइड ब्रॉट फ्रॉम द सेल्स इनटू द लंग्स. सो हमारे लंग्स के अंदर जो है जो ब्लड हम जो सांस हमने ली है, जो ब्लड हमने ली है, द ब्लड टेक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. सो द ब्लड टेक्स अप द ऑक्सीजन. जो भी ब्लड हमारे अंदर है वो हमारा ब्लड जो है ऑक्सीजन लेती है, एंड देन इट ऑल्सो गिव्स अप कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे मैंने बोला कि हम नाक से सांस लेते हैं, मुंह से सांस बाहर फेंकते हैं, तो वैसे ही वी इनहेल ऑक्सीजन एंड देन थ्रू आवर ब्लड. मैंने जैसे बोला था ब्लड जो है ऑक्सीजन सर्कुलेट करती है, वैसे ही ब्लड जो है ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन रिप्रोड्यूस होती है, एंड देन हमारे अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड हम सेल्स के थ्रू, हमारे लंग्स के थ्रू, हम सेल्स के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड थ्रो करते हैं. आवर लंग्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द ब्रीथिंग प्रोसेस. हमारा जो लंग्स है वो फंक्शन करता है जब हम ऑक्सीजन फेंकते हैं, एंड हमें ऑक्सीजन अंदर लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं. ओके, सो दिस इज द पार्ट. हमने आज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम बताया था आपको. सर्कुलेटरी सिस्टम में इंपॉर्टेंट्स आर हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स व्हिच हैज द इंपॉर्टेंट पार्ट्स. हार्ट जो है हमारे इस बॉडी की सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हमारे बॉडी में हमारे ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेट करती है, एंड इंपॉर्टेंट जो भी खाना हम खाते हैं उसका डाइजेशन हमारे हर एक बॉडी में पहुंचाती है. सेकेंड डाइजेस्टिव सिस्टम. सो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जो भी हम खाना खाते हैं वो उसका जो जूस है वो जूस हमारे पेट में जाता है, हमारे स्टॉमक में जाता है, फिर स्टॉमक में वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक होके फिर वो जो है इंटेस्टाइन्स में जाती है, एंड जो फूड का जो वेस्ट होता है वो हमारे एनिमल के थ्रू निकलती है. रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम मुंह से सांस लेते हैं एंड मुंह से निकालते हैं. जो हमारे ब्लड से जो हमारे फूड विंड पाइप के थ्रू जाती है हमारे लंग्स में, फिर जब लंग्स में पहुंचती है उसके बाद में लंग्स से क्लियर होती है. जो ब्लड हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन ब्लड से क्लियर होकर हमारे सेल्स के थ्रू हमारे लंग्स में जब पहुंचती है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड थ्रो करते हैं अपने बॉडी से. सो लेट्स कंटिन्यू विद द पेज नंबर 11. ओके, गुड ब्रीदिंग हैबिट्स. व्हाट आर द गुड ब्रीदिंग हैबिट्स? नंबर 1, ऑलवेज ब्रीथ थ्रू योर नोज. सो कुछ लोग होते हैं जो मुंह से सांस लेते हैं, बट दिस इज अ रॉन्ग प्रोसेस. ऑलवेज यू शुड ब्रीथ थ्रू योर नोज, बिकॉज व्हेन यू ब्रीथ थ्रू योर नोज यू आर टेकिंग गुड ऑक्सीजन इनसाइड एंड देन यू आर थ्रोइंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम योर माउथ. ओके, नंबर 2, डू नॉट कवर योर फेस व्हाइल स्लीपिंग. तो आप जब सो रहे हैं तो आप अपने फेस कभी कवर ना करें, ठीक है? नंबर 3, कीप योर डोर्स एंड विंडोज टू लेट फ्रेश एयर सर्कुलेट. जब आप कहीं पे बैठे हैं तो आप अपने खिड़की खोल दें ताकि फ्रेश एयर जो है अंदर आती रहे. डू एक्सरसाइज इन फ्रेश एयर एवरी डे.
में आया है व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास टिल देन टेक केयर गुड बाय स्टे होम स्टे सेफ गुड बाय टेक केयर